सो बीजीआईएस राउंड टू में आज किस टीम्स का मैचेस होगा वो लिस्ट आ चुका है। तो सबसे पहले ग्रुप 23 टीम गॉड लाइक एक्सोसिस्ट ई स्पोर्ट्स वार गॉड्स, टीम एक्स स्पार्क एक ही ग्रुप है दोनों है, यंगस्टर ई स्पोर्ट्स, फोर सेंटिनल्स, टीम इंट्रोवर्ट, नाइन टेल स्पोर्ट्स, टीम GWL, टीम VIP, टीम XAN, नो वैल्यू, ड्यूज ई स्पोर्ट्स, राइट ई स्पोर्ट्स, F2B गर्ल्स, नेक्सस ई स्पोर्ट्स। तो इसमें दो ही टीम है जो कि बड़ी टीम T1 टीम्स है, गॉडलाइक और टीम एक्स स्पार्क। तो क्या लग रहा है क्या ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे? ऐसे राउंड टू देखने में तो थोड़ा आसान लग रहा है, बट देखते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होगा ग्रुप 24। तो दोनों ग्रुप आज तीन तीन मैच खेलेगी और कल तीन तीन मैच, टोटल 6 मैचेस में टॉप 7 में आना है तो वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड 3 के लिए। तो ग्रुप 24 में ओआर ई स्पोर्ट्स, क्रॉस के लिए ई स्पोर्ट्स, टीम ब्रेव, साइबर ट्रॉन आर्मी, टीम फ्यूज, टीम रफ नेशन, नो स्किल्स, BR विंटेज, 7-4 स्ट्रेंजर्स, नो मर्सी, ब्लैक एक्स ई स्पोर्ट्स और जो भी टीम्स भाई यहाँ पे देख सकते हो एल्फ क्लैन है लास्ट में। तो इसमें तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही D1 टीम दिख रही है OR, बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई नाम सुना हुआ नहीं लग रहा है। तो जो भी है भाई यहाँ पे टॉप 7 आना है, फिर और भी जो टीम्स बच गई है जैसे रेवेनेंट बच गई है और भी कुछ टीम्स है, मायावी का भी शायद नहीं हुआ टीम मायावी, तो वो लोग का ऑफलाइन मैचेस होगा। रेवेनेंट ने यहाँ पे पोस्ट किया था देख सकते हो, तो ये लोग का मैचेस चालू हो चुका है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आज जो भी T1 टीम्स है जैसे कि गॉडलाइक, TX, OR, क्या ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे? अगर आज ये लोग तीन मैच में ही 40-50 पॉइंट निकाल लेते हैं तब तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आज तीन और कल तीन मैचेस खेलेंगे। तो भाई जो भी होगा देखा जाएगा। और साथ में कल जो मैचेस खत्म हुआ था बहुत सारे टीम्स का, तो इसमें बहुत सारे टीम्स क्वालिफाई कर चुके हैं जैसे एनिग्मा, न्यूमैन, ओरेंगटन, लिस्ट भी कुछ कुछ देख सकते हो। और एक और चीज़ जो एडमिट का लाइनअप है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया राउंड टू के लिए, तो मर्सी ने कल बताया था कि वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कुछ लोग पूछ रहे थे क्या होगा लाइनअप का, तो लाइनअप अभी कुछ भी अभी चेंजेस नहीं होगा। वैसे भी टूर्नामेंट चल रहा है ऑफिशियल इवेंट, तो इसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। और ये लोग बताया कि जो भी अनऑफिशियल होगा तो वो खेलेंगे, तो जो भी होगा देखा जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके।